हेलो सर, कहाँ तक जा रहे हो आप? मतलब नासिक साइड ही? हाँ ओके, थैंक यू। मेरे को लिफ्ट चाहिए थी। ओके ओके, थैंक यू। बाय बाय। तो भाई इन माइन ने हमारे को यहाँ छोड़ा है, यहाँ पे रोड पे। यहाँ से मेरे को जाना है आगे। नासिक वाली रूट से जाना। तो भाई अभी अरे यार साले लंबी लिफ्ट नहीं मिल रही है। इन्होंने भाई ने कम से कम मुझे 9-10 किलोमीटर छोड़ा है। अगर इस हिसाब से लिफ्ट मिलेगी ना कोई 7-8 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, फिर तो मुझे लगता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा आज मैं भाई, क्योंकि 10:30-11 का नहीं 11 बज चुके हैं। वैसे टाइम तो है, वैसे पहुँच जाऊँगा शाम तक, चाहे शाम को 5-6 बज जाए, बिकॉज यार मुंबई बहुत दूर है अभी यहाँ से। भाई फाइनली मेरे को लिफ्ट मिल चुकी है। इन ट्रक में इन सर ने हमारे को लिफ्ट दी है। तो नज़ारे देखो एक बार जरा, यहाँ से बाहर से कितना खूबसूरत है ये महाराष्ट्र में, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। और अभी लिफ्ट मिल गया है, पता नहीं कहाँ तक कि मेरे को, तो देखते हैं जहाँ भी उतारेंगे। फिर उसके बाद में चलो मिलते हैं आगे आपसे, जहाँ भी पूछते तो मज़ा आएगा। तो गाइस अभी रुके, अभी हम एक ढाबे पे खाना खाने के लिए। तो ये भी अभी साई भाजी आ रही है, अपना जो यहाँ का महाराष्ट्र का फेमस फूड है। तो अभी हम वो खा के फिर यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। तो गाइस खाना कंप्लीट हो गया, और भाई हमने खाना खाया था यहाँ पे इस ढाबे के अंदर, और मेन रोड पे था। और ये सब क्या नाम है आपके ढाबे का? अजय ढाबा। अजय ढाबा, ढाबा लक्ष्मी। अच्छा ढाबा लक्ष्मी। तो भाई ढाबा लक्ष्मी ये मेन रोड पे क्या नाम है, जो मैं हम यहाँ पे भी खाना खाने आए थे। हमने भाजी और रोटी खाई, मैंने साई भाजी खाई थी क्योंकि राजस्थान की फेमस होती है भाई, बहुत टेस्टी खाना था। तो अब चलते हैं, पेट भर चुका भाई पूरा, तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो भाई चलो अब पेट भर गया। तो फाइनली अच्छा लगा था भाई आपके आगे खाना मेरे को रखे। तो चलो चलते हैं अब दोस्तों यहाँ से आगे के लिए। और बाकी ये कुछ बाहर से इस तरीके से दिखाई देता है, ये रेस्टोरेंट लिखा हुआ है जैसे कि होटल लक्ष्मी। तो भाई कुछ इस तरह से है ये, और यहाँ सामने हमारे ट्रक खड़ा हुआ है। तो उस ट्रक के अंदर अब हमारे को जाना है सर, हमारे को गतपुरी छोड़ेंगे, फिर वहाँ से मुंबई 150 किलोमीटर आ जाएगा समथिंग, तो वो कर लेंगे हम कंप्लीट। तो चलो चलते हैं देखते हैं। अरे हमारा मालिक भी देखेगा ना। अच्छा, अरे किधर गया था? तो गाइस फाइनली अब हम ट्रक के अंदर बैठ गए और सर चलेंगे यहाँ से आगे के लिए। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, तो मज़ा आएगा। तो वही चलो चलते हैं आगे के लिए। तो गाइस अभी चाय का ब्रेक लेने रुके थे, तो यहाँ पर मेन रोड पे हाँ चाय, और यहाँ पे देखो ये है। तो गाइस अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे, तो यहाँ पे ये पप्पी मिला छोटा सा, चाय पी के अभी यहाँ से हम आगे के लिए निकलेंगे। 150 किलोमीटर का टाइम लगता है। चाय आ गई अपनी मस्त, चलो। तो गाइस चलो चाय पी के आगे चलते हैं, यहाँ से 150 किलोमीटर का टारगेट रह गया, तो फिर यहाँ से मुंबई जाके मिलते हैं। ओके, तो गाइस उन सर ने हमारे को यहाँ पे छोड़ा, ये टोल है पीछे, पता नहीं कौन सा है, इगतपुरी, हाँ सॉरी इगतपुरी टोल है। टोल से ये सीधा मुंबई आगरा वाला हाईवे है, नेशनल हाईवे है ये,
तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को टोल पे उतारा था बिकॉज उनको, क्योंकि यहाँ से कहीं और जाना था, उनके ट्रक में माल था कहीं और का, तो यहाँ तक छोड़ा तो मैं उनका शॉट नहीं ले पाया, जल्दी से जल्दीबाजी में उतरा था, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, इस वक्त मैं मुंबई टू आगरा नेशनल हाईवे पर हूँ, तो मेरे को यहाँ से अब डायरेक्ट मुंबई जाना, जो कि 120 किलोमीटर है अभी भी मुंबई यहाँ से, और 120 किलोमीटर करना है मेरे को अभी, कंप्लीट टाइम है बिकॉज अभी बहुत कम से कम कर लूँगा, वैसे मुझे इतना है भरोसा कि कर लूँगा मैं 120 किलोमीटर ही चेकिंग करनी है। 120 किलोमीटर का टारगेट अगर किसी ट्रक में मिल जाए लिफ्ट तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि यार यहाँ पे टू व्हीलर्स वगैरह से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो मेरे को 5-10 किलोमीटर ही लिफ्ट देंगे, उससे ना क्या होता है टाइम भी वेस्ट होता है। अगर तुम्हारे को लग रहा है कि टाइम कम है, अगर तुम आधे दिन जॉगिंग कर लो, और अगर रूट लंबा है ना, तो हमेशा कोशिश भाई ये करना कि फिर तुम लंबी ट्रिक, क्योंकि लंबी लिफ्ट तुम्हारे को सिर्फ ट्रक वाले दे सकते हैं या फिर गाड़ी वाले दे सकते हैं भाई, उस टू व्हीलर्स पे तो कोई बनते ही नहीं है चांस। नहीं वैसे कभी कभी टू व्हीलर्स पे भी बहुत लंबी लिफ्ट मिल जाती है, 70-80 किलोमीटर की, मुझे एक बार 80 किलोमीटर की भी लिफ्ट मिली थी हिमाचल में, मैं जानता हूँ, बिकॉज यार टू व्हीलर वाले ज़्यादा लंबी लिफ्ट नहीं देती। अब देखते हैं गाड़ी वाले या किसी उसको रोकते हैं हम जल्दी से, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। फाइनली रुक गई गाड़ी। हेलो, आप कहाँ तक जा रहे हो? मैं इगतपुरी तक। इगतपुरी तक, ओके मैं छोड़ देना, मैं तो ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ मैं यूट्यूब से। अरे मैं भी यूट्यूबर ही हूँ। अच्छा, मतलब अभी शुरुआत की है। अच्छा अच्छा, घूम रहा है ना। ओके हाँ यार, तो भाई इन भाई साहब ने हमारे को कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? क्या इगतपुरी यहाँ से अभी 4-5 किलोमीटर है। तो भाई 5 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई है इन भैया ने दिया, ये भी यूट्यूबर है, बता रहे थे मेरे को अपने बारे में। तो चलो चलते हैं, 5 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं भाई, फिर 115 किलोमीटर रह जाएगा हमारा, तो चलो करते हैं कंप्लीट, हो जाएगा वैसे, उम्मीद लग रही है हम। चलो ओके ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, आके फिर मिलेंगे आपसे। बाय 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 बाय। तो भाई तो इन्होंने मेरे को यहाँ तक छोड़ा, इनको उधर जाने का, तो मेरे को जाना सीधा मुंबई, तो भाई चलो चलते हैं। सर आप कहाँ तक जा रहे हो? मेरे को मैं जा रहा था ठाणे साइड जाना है मेरे को, तो कहाँ जी? पड़गा, इसी रोड पे पड़ता है। हाँ। कितने किलोमीटर होगा? हाँ, 30 किलोमीटर होगा। मेरे को लिफ्ट चाहिए थी, दे दोगे वहाँ तक के लिए? ओके थैंक यू सो मच। हाँ मैं यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा ओके। तो भाई 30 किलोमीटर की लिफ्ट ली है भैया ने हमारे को, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था, 20 मिनट हो गए थे, तो इतने में ये भैया जा रहे थे, ऐसे इन्होंने हमारे को लिफ्ट दिया, पड़गा जा रहे हैं, तो फिर वहाँ से आगे देखते हैं हम कब तक पहुँचेंगे। तो भाई जिनको लगता है ना महाराष्ट्र के अंदर पहाड़ नहीं होते, तो भाई ये दिखा देता हूँ मैं तुम्हारे को, महाराष्ट्र के अंदर ये पहाड़ है, ये क्या नाम है, हाँ कसारा गाँव है ये, और ये यहाँ पे पहाड़ी रास्ता है ये सारा पूरा, जैसे अपने हम उत्तराखंड जाते हैं उत्तराखंड में मिलते हैं ना, सेम उसी हाइट का पहाड़ है, बिकॉज ज़्यादा ऊँचे नहीं है यहाँ के पहाड़, मतलब वही मतलब रूट बना हुआ पूरा पहाड़ियों वाला टेढ़ा मेढ़ा, जैसे आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली टू आगरा वाले हाईवे पे, वो मुंबई टू आगरा वाले हाईवे पे से अगर कहीं अगर आप जाओगे ना, तो महाराष्ट्र में एंट्री करते हैं आपको कुछ इस तरीके के पहाड़ दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं भाई देखने में, और ये रास्ते देखो इससे भी ज़्यादा सुंदर है, मतलब रोड वैसे यहाँ की एक नंबर है भाई, जब से महाराष्ट्र में एंट्री करिए ना भाई, रोड अच्छे मिल रहे देखने को, तो ये देखो जरा व्यू यहाँ से। गाइस हमारी गाड़ी यहाँ से ऐसे घूमते हुए उधर जाएगी, तो अभी देख रहे हैं ना, जैसे वहाँ पे सामने एक ट्रक जा रहा है छोटा सा, तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है भाई, अब मज़ा आ रहा भाई कुछ भी भाई, गाड़ी है लिफ्ट मिले भाई, ये देखो भाई। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सौ कहानियां, तो रोशनी तुरंग है, तोड़ रही पतंग है, बना है गुजर, ऐसी राह से गुजर, जी उठे हर घड़ी हर पहर, सफर कैसा है ये सफर, भाई हमारे को चाय के लिए रोक के लेके आए हैं, तो ये भाई ये सामने एक रेस्टोरेंट है, क्या नाम है, चलो चलते एक बार जरा चाय वाय पीते हैं यार, सुबह से कुछ ऐसे खाया भी नहीं है।
तो यहाँ ब्रेक के लिए रुके हैं, मतलब कहने का मतलब है। तो चलो चाय पीते हैं यहाँ से, फिर थोड़ा बड़ा पाव चाय वाय आगे के लिए निकलते हैं। यहाँ से मुंबई पहुँच जाएंगे यार, आज रात तक पहुँच पाऊँगा मगर, क्योंकि भाई शाम के 4 बज चुके हैं। और इन भाई ने भी मेरे को 25-30 किलोमीटर की लिफ्ट दी है, पूरी ऑलमोस्ट पूरी तो लिफ्ट मेरे को अभी मिली नहीं है, मगर देखते हैं जहाँ तक भी जाएंगे। फिर उसके बाद में मुंबई पहुँच गए तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी यार। मेरा मुंबई में बहुत सारी जगह घूमने का मन कर रहा था, बाबला मजा के है क्या। तुम व्लॉग में देखो, तुम व्लॉग में देखना, व्लॉग में दिखाना मेरा काम है, तुम्हारा व्लॉग देखना काम है, मेरा व्लॉग दिखाना काम है। कहीं नहीं, मुंबई के दर्शन हम व्लॉग से कराएंगे अपने। चलो फिलहाल अभी चाय पीते। तो गाइस फाइनली अपना वड़ा पाव आ चुका है इसमें, मगर जो मैं और जगह मैंने जो खाया था ना उसके मुकाबले इसमें चटनी भी ऐड कर रखी है यहाँ पे। ये चटनी है, ये पाव और ये वड़ा, उसके साथ में मिर्ची का अचार मिलता है भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है, मज़ा आता है भाई वड़ा पाव खाने में। मुंबई का बिल्कुल ट्रेडिशनल है ना, फर्स्ट टाइम मैंने जब खाया था ये शिवडी में भाई, बड़ा मस्त लगा था मेरे को। तो इसका भी टेस्ट एक अलग ही, हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं मिलती, मगर दिल्ली में हमारे पाव भाजी मिलते हैं, मगर ये वड़ा पाव का टेस्ट भी मुंबई का भाई बिल्कुल अलग है। तो चलो खाते हैं जल्दी से भाई, ये चटनी है वड़ा पाव ये सब चीज़, तो सुबह ही चलो खाते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा लगेगा इसका टेस्ट। बड़े पाव के साथ में कहीं लस्सी पीने का भी एक अलग ही मजा है, कभी ट्राई करके देखना, बिकॉज ये मिट्टी अगर वो जो ट्वेल जाती है ना उसका अलग ही मज़ा आता है। तो बस अभी हमने बड़ा पाव खा लिया अपना, भैया का भी हो गया, तो अब हम यहाँ से चलने वाला है एक्चुअली थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा, बिकॉज मुंबई का टारगेट कम्प्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में जाकर वहाँ रेस्ट करूँगा, फिर देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई मुंबई दिखानी है आपको पूरी कम्प्लीट, मज़ा आएगा वैसे ब्लॉग में, तो आप जुड़े रहना कंटिन्यू मज़ा करेंगे। चलो चलते हैं एंड देखते हैं लस्सी। गाइस मज़ा आया था वड़ा पाव और सब खाने में, तो चलो चलते हैं। अब सामने गाड़ी खड़ी है बलैरो में बैठ के, फिर भैया जा छोड़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं रुका था बाबा का ढाबे में हमने वड़ा पाव खाया मेरे, वड़ा पाव खाया। तो इस बैग को रखते हैं अंदर और हम भी चलते हैं गाड़ी के अंदर, और फिर गाड़ी का गेट करते हैं बंद और अब गाड़ी चल रही है हमारी बम बम। सुबह ही मज़ा आएगा आपका वड़ा पाव खा के, अच्छा लगा मेरे को, बिकॉज तुम महंगा बहुत देते हो। तो भाई चलो चलते हैं एंड देखते हैं, मैं निकल जाऊँगा। ओके भैया थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो यार इन भाई ने मेरे को हाँ टोल पे छोड़ा है, भिवंडी के टोल पे, इस जगह को बोलते हैं भिवंडी का टोल। अब भाई भिवंडी से नहाते थोड़ा सा ही रह गया भाई, तो शाम के पता नहीं कितना टाइम हो रहा ब्रो। भाई साहब 5:30 बज गए शाम के, भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है मुंबई ऐसे कब पहुँचूँगा कब नहीं पहुँचूँगा। टोल है, मेरे को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा जी ब्रो, मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा, अपना कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो भाई तो फाइनली मैं मुंबई एक समझे तरीके से पहुँच गया हूँ, भिवंडी हूँ मैं, भिवंडी का टोल पर आया हूँ मैं। मैं इनके भाई की गाड़ी में सो गया था, वड़ा पाव चाय खाए थे अभी पीछे, भाई मैं सो गया था मस्त एकदम नींद आई। तो भाई चलो चलते हैं देखते हैं उड़ू, चलो चलना है यहाँ से, थोड़ा सा रह गया यहाँ से अभी भी रहेगा कम से कम 20 किलोमीटर रहेगा भाई मुंबई यहाँ से। मेरे को देखना है कोई गुरुद्वारा अपने रुकने के लिए, स्टे करने के लिए, अब पता नहीं यार मिलेगा नहीं, क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो ये जगह तो खैर 5:30 बज रहे, ये जगह मेरे को अपने कैंप मतलब स्टे के लिए ठीक नहीं लग रही, क्योंकि भाई ये चारों तरफ देख रहे हो कुछ नहीं है यहाँ। तो भाई मैं रिक्शा नहीं ले सकता, तुम्हें जल्दी से दोबारा चेकिंग करनी पड़ेगी मुंबई के लिए। और ये ऊपर निशान देख रहे हो तुम, ये मेरे ऊपर निशान देख रहे हो, अभी यहाँ से रॉकेट गया ब्रो, रॉकेट। अब मेरे को भी इसी रॉकेट की तरह जाना पड़ेगा जल्दी से मुंबई, नहीं तो मेरा सीन बन जाएगा भाई। 5:30 बज गए, फ्लाइट जाने वाली है सारी, तो भाई चलो चलते हैं जल्दी से। भाई सर आप कहाँ तक जा रहे हो? कितना किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर तो छोड़ दोगे सर, मेरे को इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, लीड की वजह से। थैंक यू। तो भाई 8 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है मेरे को, भाई आज मुंबई पहुँचना कैसे भी करके, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। तो चलो देखते हैं अभी फिलहाल 8 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो भाई मेरे को लगता है आज मेरे एल लग गए भाई बिल्कुल, देखो भाई लाइट बिल्कुल समझ लो चली गई है भाई बिल्कुल, अब अंधेरा होने वाला है और 24 किलोमीटर दूर है यहाँ से भी थाने। यार मैं लेट
अबे यार मैंने कुछ जगह टाइम वेस्ट किया है, वो उसका प्रॉब्लम हो जाएगी। डूड यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मेन रोड है यहाँ पे, पेट्रोल पंप वगैरह बस ये है और कुछ नहीं है भाई। मेन रोड पे मैं कैसे रात बिताऊंगा भाई अपनी? ठाणे पहुँचने का टारगेट था, बिकॉज ठाणे ज़्यादा दूर भी नहीं है, 24 किलोमीटर है। और अब रोड पर गाड़ी पता नहीं कोई हिचाइकिंग देगा या नहीं देगा यार, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। और लाइट जाने वाली, अंधेरा होने के बाद तो कोई घंटा नहीं देगा, क्योंकि फिर नहीं देखो यार, पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं होगा भाई। तुझे देखता है हमारा लिफ्ट बोर्ड काम करेगा या नहीं करेगा, तो वही यार प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आज मैं एल लग जाएंगे मेरे यार, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मुझको यार। फाइनली एक ट्रक रुक गया मेरे लिए, बंदे बंदे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का भाई, ऊपर वाला मुझे साथ देता है, थैंक यू। आप कहाँ तक जा रहे सर? मैं तो मुंबई जाने वाला हूँ, पर अभी 9 बजे के बाद जाऊँगा। ओके ओके, मेरे को भी पर वहीं जाना था, थैंक यू। मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ पूरा, ऑल इंडिया ट्रैवल। तो गाइस मैं भी मुंबई जाना है, तो गाइस फाइनली मुंबई की लिफ्ट मिल गया भाई मुझे। मतलब अंधेरा होने वाला था तो मेरे को लग रहा था कि शायद अब लिफ्ट मिलेगी नहीं, क्योंकि रात के टाइम मेरा तजुर्बा आई है, रात के वक्त कोई लिफ्ट देता नहीं है। तो फिर भाई भैया ने रोक दी मेरे लिए भाई गाड़ी आगे जाके, तो भाई थैंक गॉड ऊपर वाले को याद किया, ऊपर वाले ने मदद के लिए भेज दिया। तो भाई फाइनली आज मुंबई पहुँच जाऊँगा, मेरी टेंशन खत्म। सुबह से ट्रैवल कर रहा था भाई मेरे को, अभी यहाँ आके मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा। तो भाई फाइनली मुंबई की डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई है, अभी यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो फिर बाकी का हम आपको आगे बताएंगे कब तक पहुँचेंगे कब जाएंगे, तो चलो मिलते हैं आगे आगे सीधा मुंबई। अभी अभी मेरे को मालूम पड़ा ये ट्रक वाले भैया ना मुंबई में कुर्ला जा रहे हैं, जहाँ मेरे को जाना था दानिश भाई से मिलने, दानिश भाई के कब्र पे। तो भाई कुर्ला ही जाना था, बिकॉज मेरा टारगेट कुर्ला का ही था। तो बस मैं अभी जिस हिसाब से मेरे को लिफ्ट नहीं मिल रही थी ज़्यादा, तो मेरा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं ठाणे तक पहुँच जाऊँ वही बहुत है, फिर वहाँ से मैं बाई ट्रेन जाता कुर्ला। तो अगर डायरेक्ट कुर्ला तक की लिफ्ट मिल गई भाई, किस्मत। तो भाई चलो कल दानिश भाई के यहाँ चलेंगे कब्र पे। तो फिर आज का ब्लॉग मैं फिलहाल यहीं एंड करूँगा, बिकॉज अभी नहीं ब्लॉग अभी लोकेशन पे पहुँच कर एंड करूँगा, कुर्ला पहुँच के। तो भाई कुर्ला पहुँच जाएंगे आज फाइनली। ओके तो भाई फाइनली मैं कुर्ला पहुँच गया हूँ भाई दानिश भाई की जन्मभूमि पे, और अभी रात का वक्त है। मेरे को ट्रक वाले भैया ने बाहर मेन रोड पर उतारा था, बिकॉज मैं अब यहाँ पर कुर्ला में हूँ। तो भाई अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ पे, मतलब पूरा मोमन एरिया वैसे तो, मगर मैं अभी फिलहाल रात का टाइम हो रहा 9:30 बज रहे हैं, तो भाई इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से क्या नाम है कुर्ला रेलवे स्टेशन, बिकॉज मैं अपनी रात वहाँ पे ही बताने वाला हूँ। फिर रेलवे स्टेशन के पास ही कसाईवाड़ा कब्रिस्तान है, कल दानिश भाई की कब्र पर चलेंगे। तो भाई अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा समझ में, तो अभी मैंने फ्लोर कोर्स फ्लोर से कुछ खाया नहीं है, तो अभी जाके मैं थोड़ा खा लेता हूँ, बिकॉज मैं भूख लगी, फिर जाके मैं रेलवे स्टेशन पे एंड करूँगा। तो भाई तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से कुर्ला रेलवे स्टेशन पे, तो फिर मैं वहाँ जाके अपना रेस्ट करूँगा पूरी रात, रेस्ट तो नहीं करूँगा बिकॉज पूरी रात जगना पड़ेगा, बिकॉज रेलवे स्टेशन सेफ जगह होती है, तो भाई इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो भाई चलो चलते हैं एंड देखते हैं, और कल देखते कल क्या हुआ, कल कैसे कैसे जाएंगे। तो भाई चलो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे लाइट अच्छी थी, जो इधर यहाँ पे बोर्ड लगा था, इस वजह से मैं यहाँ पे ब्लॉक शूट कर रहा था। तो फिर चलते हैं देखते हैं, और रेलवे स्टेशन पे जाएंगे अब हम यहाँ से। सो भाई फिर चलते हैं। आई होप अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाय बाय।